राजगढ़ विभाग की टीम ने बद्रीनाथ धाम में संचालित एक निजी होटल में छापामार कार्रवाई की। विभाग ने ऋषिकेश स्थित कार्यालय में छापामार कर लाखों रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। कार्रवाई के दौरान होटल प्रबंधन से 6.5 लाख का टैक्स वसूला गया। होटल के कारोबार के दस्तावेजों की जाँच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि निजी होटल 2005 से बद्रीनाथ धाम में संचालित हो रही है, जिस पर वर्ष 2020 में होटल का जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इस वर्ष 2002 में होटल ने नई साझेदारी पर नया पंजीकरण किया था, लेकिन आज तक कोई बिक्री घोषित नहीं की गई थी और न ही कर के रूप में ही कोई राशि जमा की गई, जिसके बाद टीम ने इस यात्रा सीजन में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा की बिक्री उजागर हुई, जिस पर अभी तक कोई भी कर अदा नहीं किया गया। टीम ने होटल के सभी कागजात खंगाले गए। अधिकारियों ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में कई रेस्टोरेंट या होटल अपनी बिक्री के अनुरूप आय भी नहीं है दिखा रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होटल के कारोबार रिकॉर्ड के आधार पर वर्तमान यात्रा सीजन में 3.5 करोड़ रुपए का कारोबार का खुलासा हुआ। इस पर होटल की ओर से कोई टैक्स नहीं दिया गया। ऋषिकेश स्थित होटल के कार्यालय में विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। इस पर होटल प्रबंधन ने 6.5 लाख रुपए का टैक्स जमा किया है। बद्रीनाथ से अजय कृष्ण मेहता की रिपोर्ट। टैक्स जमा करवा भी देते हैं तब भी पेनल्टी की कार्रवाई तो इन पर होगी, क्योंकि समय से टैक्स जमा नहीं करना और टैक्स चार्ज करके सरकारी राजकोष में जमा ना कराना, सरकारी धन अपने पास रखना, वो एक अपराध है। भविष्य में तो अगर ये नियमित रूप से अपना कर जमा करते हैं तब तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है, और इन पर अब जो अर्दंड और जो भी कर निर्धारण कर रहा हूँ टैक्स जमा कराने की कार्रवाई होनी है वो अभी होनी है। इसी अगले महीने मैंने पूरा टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं।